तो गाइस इस समय अनबॉक्सिंग करने का टाइम है, तो वैसे लाइट अच्छी नहीं आ रही। तो एक बार हेलो एलेक्सा, स्विच ऑन द लाइट प्लीज। All the lights are on. ओहो, If we're knocked out, we'll go the distance. Pound for pound, we're a perfect match. Pulling punches. हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। और काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ आई है। जी हाँ, मेरे गुराई का राज, मतलब कई लोग सांवला बोलते हैं, कई लोग गोरा बोलते हैं, कुछ भी, अगर जो आप समझते हैं, मेरे गुराई का राज इस बॉक्स में छुपा है। तो चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और के पीछे क्या कारण है। तो हेलो जी, आ चुका है वाइट ग्लो का फेस वॉश। ये पेड प्रमोशन कुछ नहीं है, मतलब मैं 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, 3 साल हो गए हैं। और ये त्वचा जो है वो इसी के हिसाब से बन गई है। तो गाइज मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। ये है लोटस का वाइट ग्लो फेस वॉश। फेस वॉश ज़रूरी है यार, मैं तीन तीन मंगाया। अब तुम सोचोगे तीन तीन क्यों मंगाया भाई, मतलब मैं हमेशा प्रॉफिट सोचता हूँ, ठीक है। अमेज़ोन से मंगाया हूँ और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, मैं 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ये लेडीज़ के लिए है, कई लोग बोलते हैं जेंट्स के लिए, मगर यार गाइज ये सिंपल सा फंडा है। इस पर लिखा है ऑल स्किन टाइप, फेस के लिए सच में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और आप इसमें कई, मतलब कई चीज़ें इसके पीछे हैं, मतलब आपको मैं बता दूं, आप पढ़ेंगे ऑब्वियसली, जो मतलब सच में आज जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनके लिए मैं बता दूं, डीप क्लीननेस है, वाइटनिंग है और ब्लॉक मेलानिन प्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसमें 3 in 1 स्किन वाइट ग्लोइंग है। भैया थोड़ा सा सांवले हो, गोरा होना चाहते हो तो सुपर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और तीन क्यों मंगाए, ऑब्वियस सी बात है, आप तीन क्यों बोलेंगे आप यार। पहली बात, डेट ऑफ एक्सपायरी जो है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म है। और दूसरी बात, प्राइस जो है इस पर आप पढ़ सकते हैं, प्राइस है इस पर 225। अगर आपको 225 का एक में 675 के अगर ये 3 हुए, मगर मुझे कितने का पड़ा, 532 का, ठीक। 675 माइनस 532 मतलब 143, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, बोलूँ कि अपने आप को बोलूँ, क्या बोलूँ, 143 रुपीज़ डिस्काउंट। वैसे मानो या ना मानो, सूरत से ज़्यादा सीरत इम्पोर्टेंट है, मगर कहीं ना कहीं सीरत एक जगह मार जरूर खा जाती है, और इसको मैनेज करने के लिए हमें हमारे सूरत ही सहारा देती है। तो गाइस ऑर्डर करने से पहले आप एक चीज़ जरूर नोटिस करिएगा, ये कितने ग्राम का है। 100 ग्राम मेरे ख्याल से सबसे सुटेबल होता है विथ प्राइस के साथ। और ऑनलाइन देखने में 100 ग्राम और 50 ग्राम दोनों सेम दिखते हैं, मगर ऑर्डर आते टाइम गलत ना हो जाए, इसके लिए प्लीज़ आप वेरीफाई हो जाना कि 100 ग्राम ही हम ऑर्डर कर रहे हैं कि नहीं। अब थोड़ी सी काम की बात आ जाती है। तो काम की बात ये है कि जो हम, आप सोचेंगे ये थोड़ा ऊपर क्यों है, मेरा ये दाग जो है से हो चुका था इसलिए मैंने ऊपर कर दिया। इन दिस सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट द सीरियस मैटर दैट इज नीट एंड जे एग्ज़ाम। तो आई थिंक यार एग्ज़ाम हो गया रहेगा, किसी की औकात नहीं कि एग्ज़ाम को रोक दें। ये बात शेयर कर दूं कि हम लोग कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट की सेफ्टी पर्पस, उनके सेफ्टी पर्पस क्या रहेंगे यार, अगर जो हमारे नीट के एग्ज़ाम में जो थंब प्रिंट यूज़ करते हैं, हमारे थंब प्रिंट यूज़ करते हैं वो कॉपी पे पेस्ट होता है, जो ब्लू इंक आती है जिसके ऊपर हम लोग थंब रख रख के पेस्ट करते हैं, वो तो पर्टिकुलर बच्चे के लिए बदली नहीं जाएगी। अगर वो बदली जाए तो कोरोना को मतलब स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, मगर वो हर सीट पर जाएगी। किसी एक बच्चे को कोरोना हुआ तो वो इस पर दबाएगा, फिर ऐसी बातें फैलती जाएंगी। दूसरा पॉइंट, जो हमारा एडमिट कार्ड चेक करते हैं वो ग्लव्स पहने रहेंगे, मगर उनके कंपैरिजन में हम तो ग्लव्स नहीं पहने रहेंगे। अगर हम भी ग्लव्स पहनते हैं चलो ठीक है, मंजूर है। तो एडमिट कार्ड उनको दिया, उन्होंने चेक किया, फेस मिलाया, सब आइडेंटिफिकेशन किया, फिर हमको जाने दिया। अगला बच्चे को दिया, उसको कोरोना था, उसके बाद जब तीसरा बच्चा आएगा उसको तो स्प्रेड हो गया ना, उसके ग्लव्स में आ गया, मगर उसके ग्लव्स से उसके फेस तक, उसके मास्क अंदर तक जाने में टाइम नहीं लगने वाला, सीट के पहुंचते पहुंचते उसको हो जाएगा, मतलब बॉडी में वायरस चला जाएगा।
तो गाइज मैं कई पॉइंट उठा सकता हूँ, मतलब छोटी छोटी बातें हैं मगर आप गौर करें तो मैं कई ज़्यादा पॉइंट उठा सकता हूँ, मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सेफ्टी पर्पस यार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मगर हमें इनको मतलब गवर्नमेंट हमारे HRD मिनिस्टर तो भाई सब किसी को तो समझना पड़ेगा। और बड़े बड़े लेवल पे लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पे लोग, मैंने स्टोरी में इंस्टाग्राम में आजकल एजुकेशन जो है वो लाइक अ बिजनेस हो चुका है, तो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो चुकी है, मगर एज अ स्टूडेंट लाइफ एज अ मतलब आप बोल सकते हैं एज अ आप स्टूडेंट हैं तो समझ सकते हैं कि उनकी लाइफ के हिसाब से जो चल रहा है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो दिस सिचुएशन इज़ रियली शेमफुल फॉर अस। तो गाइज़ अगर आप जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर उससे जाके सामान ख़रीदते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, तो आपको ऑब्वियस डिस्काउंट मिलेगा। और भी सारे डिस्काउंट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। तो साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी या बाय बाय।